न्यूमरोलॉजी के अंदर दो अंक जो है किसका है, चंद्रमा का। और चंद्रमा क्या है, एक ऐसा सा ग्रह है जो कि सूर्य के आसपास नहीं घूमता, पृथ्वी के आसपास घूमता। और सूर्य क्या है, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो सबको रोशनी देता है और चंद्रमा उससे रोशनी ग्रहण करता है। तो दो नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्र की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नो डाउट ये भावुक होते हैं लाइफ के अंदर, इमोशनल होते हैं। जिस तरह से चंद्र का कुछ हिस्सा हमें कभी दिखता है, कुछ हिस्सा हमें नहीं दिखता, इस तरीके से इनके मन की बात भी कभी कोई लोग पढ़ पाते हैं, कभी लोग कोई लोग पढ़ भी नहीं पाते। वैसे ही इनके मूड स्विंग्स जो हैं वो रहते हैं। तो दो नंबर वाले जो व्यक्ति हैं ना, अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें। पहली चीज़ ये कि दो नंबर वाले व्यक्तियों को कभी भी पानी पीते समय पानी का आधा गिलास या थोड़ा सा भी अंश जो है वो पीछे नहीं छोड़ना। क्योंकि जैसे ही वो पानी पीते हैं और कुछ हिस्सा उसका छोड़ दिया, वो पानी जैसे ही किसी ने उसको फेंक दिया तो उससे इनके व्यक्तित्व पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा की ही एनर्जीज हैं जो जल तत्व के माध्यम से इनके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी चीज, इन व्यक्तियों को एक प्रयास अपनी जिंदगी के अंदर करना चाहिए। वो प्रयास ये कि अपने दिन का जब भी प्रारंभ करें, दिन का जब भी प्रारंभ करें, वो आईने में देखते हुए अपने दिन का प्रारंभ जो है वो करें। वो इनके लिए बहुत सहायक हो जाएगा। और रिश्तों के आधार पर जो माँ के साथ रिश्ता होता है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है। तो इनके यदि संबंध अच्छे नहीं है अपनी मदर से या मदरली फिगर्स जो भी हैं, तो उस कंडीशन में इनका उस चीज का प्रभाव इनकी जिंदगी पर नेगेटिव आता है। तो ऐसे कंडीशन में इनका अपनी मदर के साथ संबंध अच्छा होना, उनसे ब्लेसिंग्स जो है वो लेते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्हीं का ध्यान रखना है कि इनके घर में वाटर की लीकेज कहीं पर भी ना हो। अगर वाटर की लीकेज होती है तो भी दो नंबर वाले व्यक्ति जो हैं उनके मूलांक पर इसका एक गहरा नेगेटिव प्रभाव जो है वो पड़ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और साथ ही साथ अगर दो नंबर वाले व्यक्ति अपनी लाइफ को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे, लोग उनसे बात करते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं, वो भावुक हो जाते हैं किसी को लेकर के पर कोई इनकी वैल्यू नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें 11 नंबर कोड यानी कि कोड 11 की मैं बात करता हूं, एक वाइट पेपर पर ग्रीन कलर से 1-1 लिख करके ये लोग अपने पास कैरी करें, तो इससे इनकी जो मेंटल स्टेट है वो बैलेंस हो जाएगी। ये अपने इरादे में पक्के हो जाएंगे, ये अपने इमोशनल प्रोस्पेक्टिव में बैलेंस हो जाएंगे और इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। करना क्या है, साधारण एक वाइट कलर के पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के स्केच पेन से 11 नंबर लिख करके उसको लैमिनेट करवा करके अपने पास जो है वो रखना है।